है तुरई मेरी, आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूंगी। और मैं एक ही दिन, मैंने देखा है अक्सर वीडियो में लोग एक ही दिन सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग दिखाते हैं। भाई एक ही दिन हम सारी सब्जी तोड़ के तो बना नहीं लेंगे कि भिंडी भी बना लिए, लौकी भी बना लिए, कद्दू भी बना लिए और सब कुछ बना लेते हैं। तो जब हम इतनी मेहनत से और ऑर्गेनिक सब्जी उगा रहे हैं, ये देखिए ये मेरी लौकी, उसकी साइज पूरी एक फीट से ज़्यादा ही है। आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी। तो जब हम इतनी मेहनत से उगाते ही हैं सब्जियाँ, तो एक ही दिन तोड़ के रख देंगे और फिर उसको बासी करके खाएंगे तो फ़ायदा क्या हमको ऑर्गेनिक सब्जी का। इसलिए मैं तो एक एक दिन तोड़ती हूँ, एक एक तरह की सब्जी की। एक दिन भिंडी तोड़ा, एक दिन लोबिया तोड़ा, एक दिन तुरई तोड़ी, एक दिन लौकी तोड़ी, तो मैं उसकी हार्वेस्टिंग दिखा नहीं पाती हूँ। यही कारण है आज मैं आपको हार्वेस्टिंग करके अभी दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। अभी हाथ से चाकू से काटना है तो मैं दिखा नहीं सकती काटते समय। देखिए फ्रेंड, इतनी तुरई मैंने हार्वेस्ट कर ली है। देखिए कितनी अच्छी तुरई, पतली पतली हैं और दो थोड़ी मोटी हैं। इतनी लगभग एक किलो तुरई हमको मिल गई है। तो इसमें आधा ही प्याज पड़ेगा, ये पर्याप्त है मेरे परिवार के लिए। अब मेरी लौकी तैयार है, उसको मैं परसों संडे को मेरे बच्चे आएंगे तो मैं उसका रायता बनाऊंगी, तब तोड़ूंगी। कल मैंने लोबिया तोड़ा था, सुबह भिंडी तोड़ी थी। इस तरह से मैं टाइम के हिसाब से जिसकी मुझे ज़रूरत होती है मैं तोड़ती हूँ। एक ही दिन सारी सब्जी तोड़ के मैं ख़राब नहीं करती हूँ, न आपसे वीडियो शेयर कर पाती हूँ हार्वेस्टिंग वाली।